पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की हमारी कहानी है प्लूटो पत्रिका से और ये एक लोक कथा है, चांद को कुएं से निकालना और आसमान में लगाना। चिल्ली नानी के घर गया था। चांदनी रात थी। नानी के घर एक कुआं था। चिल्ली चुपचाप उठा और कुएं में झांकने लगा। देखा कि कुएं में चांद चमक रहा है। उसे लगा कि चांद कुएं में डूब गया है। उसने सोचा कि अगर चांद को वो बचा ले तो कितनी बड़ी बात होगी। उसने झट से कुएं पर पड़ी रस्सी उठाई। पास में ही एक टेढ़ा मेढ़ा लोहे का तार पड़ा था। चिल्ली ने रस्सी को तार से बांध दिया। उसे लगा टेढ़े मेढ़े तार में चांद फंस जाएगा। उसने रस्सी कुएं में उतार दी। रस्सी चांद के एकदम पास ही डूबी थी। चिल्ली को लगा चांद फंस गया है। उसने रस्सी खींचने की कोशिश की, पर रस्सी खींचने में बहुत ताकत लग रही थी। चिल्ली को भरोसा हो गया था कि चांद फंस गया है। चिल्ली ने पूरी ताकत से रस्सी खींची। रस्सी शायद कमजोर थी, वो टूट गई। चिल्ली धड़ाम से गिरा। गिरा तो उसकी नजर आसमान पर पड़ी। उसने देखा चांद तो आसमान पर चमक रहा है। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये बात मिल्ली को बतानी चाहिए। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।